हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शोल्डर जॉइंट सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो शोल्डर जॉइंट क्या होता है शोल्डर जॉइंट हमारे लिम्स में मेन साइनोवियल जॉइंट है सो दिस इज अ मेन साइनोवियल जॉइंट ऑफ द लिम्स प्लस ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट का ही टाइप है सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? करता है ये फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है हमारी बॉडी में सो शोल्डर जॉइंट के अलावा जो हिप जॉइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है सो नेक्स्ट इज शोल्डर जॉइंट को क्या बोलते हैं शोल्डर जॉइंट को ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं ये क्यों बोलते हैं अभी हम देख लेते हैं सो शोल्डर जॉइंट इज ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बिटवीन द स्केपुला सो स्केपला के बीच में सो दिस इज द स्केपुला और ये स्कैपूला और स्केपुला को क्या कहते हैं शोल्डर ब्लेड सो जो हमारा शोल्डर ब्लेड है दैट इज स्केपुला स्कैपूला के बीच में एंड द ह्यूमरस एंड ह्यूमरस के बीच में जो कि अपर आर्म बोन है सो जो हमारी अपर आर्म बोन है और जो हमारा स्केपुला है उसके बीच में ये जॉइंट होता है इट इज़ द मेजर जॉइंट कनेक्टिंग द अपर लिम टू द ट्रंक सो so, ये जो हमारी अपर लिम्स हैं उसको ट्रंक के साथ मीन्स चेस्ट रीजन के साथ कनेक्ट करने का काम करता है सो so, अब जो स्केपुला है उसको और क्या बोलते हैं या फिर इसको ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट क्यों बोला गया है सो so, ह्यूमरस से तो ह्यूमरस का मतलब अपर आर्म बोन सो इसलिए यहाँ पर ह्यूमरल जॉइंट का नाम आया है ग्लेनो का मतलब है कि जो स्कैपुला के अंदर ग्लिनोइड कैविटी होती है उसके बीच में ह्यूमरस का जो हेड है वो फिट होता है इसलिए इसको ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं अभी आपको आगे और क्लियर हो जाएगा सो दिस इज ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट अदर इंपॉर्टेंट बोन्स इन द शोल्डर इंक्लूड नाउ शोल्डर में और क्या क्या बोन्स इंक्लूड होती हैं फर्स्ट है द एक्रोमियन नाउ ये हमारा स्केपुला है दिस वन इज द स्केपुला विच इज अ शोल्डर ब्लेड राइट सो शोल्डर ब्लेड के पास दो बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं बोनी प्रोजेक्शंस मीन्स जो अलग से प्रोजेक्ट हुई हुई हैं बोन से अल, अलग से प्रोजेक्ट हुई हैं जैसे कि ये जो फ्रंट पे हैं एंटीरली दिस वन ये क्या है हुक लाइक इसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस और ये पोस्टीरली जो शोल्डर ब्लेड है स्कैपुला उसके पोस्टीरियर साइड पर भी एक प्रोसेस प्रेजेंट है ऐसे ही बोनी प्रोजेक्शन प्रेजेंट है दिस वन सो so, ये जो आपको दिख रही है पोस्टीली ये ज़्यादा क्लियर नज़र आती है सो so, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस सो so, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस ये दोनों एक तो बोनी प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है शोल्डर बोन में प्लस दूसरा है क्लेविकल क्लेविकल या फिर कॉलर बोन तो so, ये जो कॉलर बोन है जिसको क्लेविकल बोलते हैं ये क्लेविकल एक्रोमियन के साथ मिलकर क्या बनाती है एकमियो क्लेविकुलर जॉइंट सो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट दिस वन सो दिस इज द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो कि क्लेविकल uh, के साथ और एक्रोमियन प्रोसेस के साथ मिलकर बना है नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट मोबाइल जॉइंट इन द बॉडी हमारी बॉडी में जो मोस्ट मोबाइल है सबसे ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है शोल्डर जॉइंट एंड कंसिक्वेंटली इज अज स्टेबल अब ये मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा लो करता है लेकिन ये स्टेबल भी कम से बहुत कम स्टेबल होता है इसलिए इसके डिसलोकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एंड प्रोन टू डिसलोकेशन सो सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसलिए लो होती है क्योंकि इसका अरेंजमेंट ही इस तरह से है जैसे कि ये हमारी ह्यूमरस है दिस वन इज़ द अपर आर्म बोन ह्यूमरस दिस वन और ये इसका हेड है सो दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस सो दिस इज द हेड एंड uh, इसके और भी अभी हम पार्ट्स देख लेते हैं जो कि आगे आएंगे uh, तो हमें इजी हो जाएगा क्योंकि हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे तो ये ह्यूमरस का जो हेड होता है ये वाला सो so, ये हेड है और ये है एनाटमिकल नेक सो यहाँ पर एनाटमिकल नेक प्रेजेंट होती है ह्यूमरस की यहाँ पर आपको ईजिली दिखेगा सो दिस वन इज़ द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड दिस इज द एनाटमिक नेक ऑफ द ह्यूमरस सो दिस इज द एनेटमिक नेक और ये है ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबर्कल या फिर ट्यूबरसिटी या इसको ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी बोलते हैं या फिर ग्रेटर ट्यूबरकल बोलते हैं ट्यूबरसिटी ये ग्रेटर है सो so, ट्यूब्रोसिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर मसल या फिर टेंडन अटैच होते हैं सो दैट इज़ ट्यूबरसिटी और ये है हमारी लेसर ट्यूबरसिटी और इसके बीच में ये जो ग्रूव है थोड़ा सा डीप पोर्शन है ये है इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव इंटर ट्यूबुलर ग्रूव सो इंटर ट्यूबुलर ग्रूव का क्या फंक्शन है यहाँ पर ये यह जो बाइसेप की लॉन्ग टेंडन होती है वो यहाँ से पास होती है तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सो दिस इज अबाउट द ह्यूमरस और ये है हमारा स्कैपुला स्कैपुला के भी हमने पढ़ लिए हैं फर्दर स्ट्रक्चर्स क्या हैं तो ये स्केपला है और स्केपला की इधर होती है ग्लिनोइड कैविटी अभी हम उसको साइड से देखेंगे ताकि ज़्यादा समझ आ जाए सो ये क्या है ये फ्रंट पोर्शन है ये हम फ्रंट से व्यू कर रहे हैं सो लाइक दिस इज़ द फ्रंट और अभी हम इसको साइड से देखेंगे सो ये वाला जो है ये हमारा साइड पोर्शन है सो ये हम साइड से व्यू कर रहे हैं शोल्डर ब्लेड को या फिर स्कैपुला को ताकि हमें ईजिली पता लग जाए कि ह्यूमरस कहाँ पर फिट होती है सो स्ट्रक्चर ऑफ द शोल्डर जॉइंट अब देख लेते हैं सो फर्स्ट है आर्टिकुलेटिंग सरफ़ेसेस सो आर्टिकुलेटिंग सरफ़ेसेस क्या होते हैं सो uh, so जो सरफेस मीट करेंगे सो सपोज दिस दिस इज अ शोल्डर ब्लेड सो so, ये शोल्डर ब्लेड है और ये हमारी ह्यूमरस है तो ये ह्यूमरस इस शोल्डर ब्लेड में इस तरह से फिट हो जाएगी लाइक अ बॉल एंड अ सॉकेट सो ये एक सॉकेट हो गया और ये हमारी बॉल होगी तो ये क्या है फ्री मूवमेंट अलाउ करता है सो so, जो सरफेसिस आपस में मीट कर रहे हैं जो आपस में मिल रहे हैं जो जॉइंट बनाने के लिए मिल रहे हैं आपस में मीट कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस सो ये हमारा स्केपला का आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हो गया और ये हमारा ह्यूमरस का आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होगी सो आर्टिकुलेटिंग

दूसरी तरफ ये जो स्कैपुला है सो ये स्कैपुला की इधर आप देख सकते हैं ये वाली ये है ग्लिनोइड कैविटी जो आपको बीच में दिख रही है दिस वन इज़ अ ग्लिनोइड कैविटी सो ये एक कैविटी है आ, या फिर इसको फोसा भी बोलते हैं स्कैपुला का ग्लिनोड फोसा ऑफ स्कैपुला सो so ये एक्ट करता है लाइक अ सॉकेट जिसमें बॉल क्या हो जाती है फिट हो जाती है सो so ये जो हेड है ह्यूमरस का ये इस सॉकेट में फिट हो जाता है लाइक अ बॉल एंड सॉकेट कवर्ड विथ साइनोवियल मैंब्रेन और ये साइनोवियल मैंब्रेन के साथ कवर्ड होता है दिस वन ग्लिनोइड कैटी सो ये साइनोवियल मैम्ब्रेन के साथ कवर्ड होती है न जो ग्लिनोइड कैटी है अब आप अगर साइड से देखें तो ये है ग्लिनइड कैविटी दिस वन दिस इज अ ग्लिनोइड कैटी इसके अंदर जो हेड है ह्यूमरस का ये फिट होता है नेक्स्ट इज ग्लिनोइड कैिटी इज़ फोर टाइम्स स्मॉलर देन द हेड ऑफ द ह्यूमरस नाउ ये जो ह्यूमरस है ये फोर टाइम्स लार्जर है ग्लिनोइड कैविटी के से तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में कि जो हेड है ह्यूमरस का ये ग्लिनोइड से लार्ज है अगर ये जो हेड है ये ग्लिनोइड कैविटी से लार्ज होगा तो इसका ये बेनिफिट है कि इससे मोबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड होती है सो so, जो हेड है ह्यूमरस का वो फ्री मूवमेंट कर सकता है या फिर आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मूवमेंट कर सकता है सो ग्लिनोइड कैविटी इज फोर टाइम्स स्मॉलर देन द हेड ऑफ द ह्यूमरस तो ह्यूमरस का हेड लार्ज है ग्लिनोइड कैविटी स्मॉल है विच प्रोवाइड्स मच मोबिलिटी जिससे मोबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड होती है ग्लिनोइड कैविटी इज डीपेंड बाय अ रिमो फाइव फिब्रोकारिश अब यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी के आसपास ये जो आपको दिख रही है ग्लिनोइड कैविटी के आसपास अराउंड ये एक और रिम है रिम मतलब एक बॉर्डर जैसा है एक और इसके आसपास जो कि फिब्रोकार्टिलेज से बना है इसको बोलते हैं द ग्लिनोइडल लेब्रम सो so, फिब्रोकार्टिलेज से बना है और इसको बोलते हैं ग्लिनोइडल लेब्रम सो दिस इज द लेब्रम दिस वन सो ये ये वाला सारा क्या है दिस इज ग्लिनोइडल लेब्रम राइट अब ये जो हेड है ह्यूमरस uh, का ये तो बड़ा है और जो ग्लिनोइड कैविटी है ये छोटी है और इससे क्या हो सकता है डिसलोकेशन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं सो so, जो लेब्रम है ग्लिनोइडल लेब्रम ये क्या करता है ये फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इस जॉइंट को सो so, ये स्टेबिलाइजेशन के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो शोल्डर जॉइंट होता है ये मोस्ट मोबाइल जॉइंट है हमारी बॉडी में लेकिन ज़्यादा मूवमेंट होने के कारण ये डिसलोकेशन के चांसेस भी इसमें ज़्यादा रहते हैं मीन्स इनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी लाने के लिए वहां पर क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी छोटी है और आ, जो हमारी ह्यूमरस का हेड है ये बड़ा है इसलिए यहाँ पर एडिशनल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर ग्लिनोइडल लेब्रम प्रेजेंट है ग्लिनोइड कैविटी के अराउंड जो कि फिब्रोकारेट से बनी है सो so, ये लिमिटेड मतलब जो मूवमेंट है उसको लिमिट नहीं करती विदाउट लिमिटिंग द मूवमेंट सो मूवमेंट में ये कोई रिकावट नहीं डालती जस्ट ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जॉइंट को नेक्स्ट इज आर्टिकुलर सर्फेसिज आर कवर्ड बाय हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज सो ये जो आर्टिकुलर सर्फेसिस होते हैं ये कवर्ड होते हैं हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज से अब ये सर्फेस क्या है आर्टिकुलर सर्फेसिस मैंने बता दिया जो कि जॉइंट में बनाने में जो इन्वॉल्व होंगे सर्फेस उनको बोलते हैं आर्टिकुलर सर्फेसिज सो यहाँ पर ये जो हैड है ह्यूमरस का एक तो ये है आर्टिकुलेटिंग सरफेस और यहाँ पर ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है दिस इज़ द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस और इस आर्टिकुलेटिंग सरफेस के ऊपर एक और कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इनके आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है जो इन पर एक और कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज है हाई आर्टिकुलर कार्टिलेज कार्टिलेश कार्टिलेज सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आर्टिकुलर सर्फेसिज पर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है तो यहाँ पर हाई कार्टिलेज प्रेजेंट है हाई कार्टिलेज कार्टिलेस स्मूद होता है इसलिए ये स्मूद मूवमेंट को अलाव करता है स्मूदली ताकि मूवमेंट हो सके जॉइंट के बीच में वो अलाउ करता है सो दिस इज़ अबाउट द ग्लिनोइड कैविटी एंड द रिम ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी विच इज ग्लिनोइडल लेब्रम एंड जो इनके आर्टिकुलर सर्फेसिज हैं उन पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज ज्वाइंट कैप्सूल ज्वाइंट कैप्सूल क्या होता है द शोल्डर ज्वाइंट अब ये सारे क्या हैं साइनोवियल जॉइंट के फीचर्स हैं सो साइनोवियल जॉइंट वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें आपको अंडरस्टूड होगा कि जॉइंट कैप्सूल भी वहां पर प्रेजेंट होता है फॉर फर्दर स्टेबिलिटी सो जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट है एक द शोल्डर जॉइंट हैज़ अ वेरी लूज जॉइंट कैप्सूल विच एनक्लोजेज द जॉइंट एंड प्रोवाइड्स ग्रेटर मोबिलिटी बट दिस कैन समटाइम्स अलाउ द शोल्डर टू डिसलोकेट यहाँ पर जॉइंट कैप्सूल जो प्रेजेंट है ये जॉइंट कैप्सूल क्या है लूजली प्रेजेंट है मीन्स ये एनक्लोज तो कर रहा है एनक्लोज कैसे जैसे एक मेडिसिन का कैप्सूल होता है और उस कैप्सूल में मेडिसिन प्रेजेंट होती है इसी तरह से शोल्डर जॉइंट को भी एक कैप्सूल एनक्लोज किया हुआ है और वो कैप्सूल क्या है लूज है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है उसने टाइटली नहीं एनक्लोज किया हुआ जॉइंट uh, को उसने लूजली एनक्लोज किया हुआ है लूज एनक्लोज करने का मतलब ये है कि वो ग्रेटर मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जॉइंट को ताकि मोबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके जॉइंट के मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन आए इसलिए ये लूज़ कैप्सूल है लेकिन लूज होने के साथ साथ जॉइंट के डिसलोकेट होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं नाउ ये जो कैप्सूल है ये कौन सा है सबसे पहले सो uh, so ये है ग्लिनोड कैविटी और ये है ग्लिनोइड कैविटी के अराउंड ग्लिनोयडल लेब्रम और ये वाला जो आपको दिख रहा है दिस वन आउटसाइड सॉरी मेरे मार्कर थोड़ा बाहर चले गए सो दिस वन एग्जैक्टली हियर सो दिस ये जो कैविटी uh, है uh, जो आपको दिख रही है ये एक्चुअली कैप्सूल है सो दिस इज द जॉइंट कैप्सूल इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस सो ये जो एनाटॉमिकल नेक है दिस वन एनेटमिकल नेक्स से यह स्टार्ट हो जाती है यहाँ से एक्सटेंड होकर ये कहाँ तक जाती है टू द बॉर्डर और रिम ऑफ द ग्लिनोइड कैटी सो ये सपोज यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है कैप्सूल और ये यहाँ तक जाता है रिम ऑफ द ग्लिनोइड कैटी सो ये जो रिम है ग्लिनोइड कैटी की ये जो रिम है यहाँ तक दिख रहा है आपको सो so ये सब क्या है ये सारा कैप्सूल है दैट इज ज्वाइंट कैप्सूल जॉइंट कैप्सूल दो चीज़ों से बना है अगेन जो साइनोवियल जॉइंट uh, में जो कैप्सूल होता है उसी तरह सो आउटर फाइब्रस लेयर आउटर फाइब्रस लेयर टफ लेयर है जो कि uh, जो जॉइंट है उसको एनक्लोज करती है और दूसरी तरफ इनर साइनोवियल मेमब्रेन अब ये जो आउटर फाइब्रस है दिस वन दिस इज अ आउटर फाइब्रस तो आउटर फाइब्रस क्या है जिसने एंक्लोज किया हुआ है शोल्डर को प्लस ये टफ है उसके बाद इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो ये जो इसकी लाइनिंग आपको दिख रही है ये सारी जिसने लाइन किया हुआ है इस कैप्सूल को ये सारी जो लाइनिंग है अंदर ये किससे बनी है साइनोवियल मैमब्रेन से सो साइनोवियल मैमब्रेन क्या है सीरियस कनेक्टिव टिश्यू है इसलिए यह क्या करता है सिक्रीट करता है क्या सिक्रीट करता है साइनोवियल फ्लूड सो so, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसने लाइन किया हुआ लाइन द इनर सरफेस ऑफ जॉइंट कैप्सूल जॉइंट कैप्सूल का इनर सरफेस साइनोवियल मेम्ब्रेन ने लाइन किया है एंड ये क्या प्रोड्यूस करती है साइनोवियल फ्लूड सो साइनोवियल फ्लूड एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है लुब्रिकेंट का क्या मतलब है कि ग्रीस की तरह वर्क करता है ताकि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके बिटवीन द आर्टिक्युलर सरफ़ेसेस सो जो आर्टिकुलर सरफ़ेसेस है जब उनमें मूवमेंट होगी तो कोई फ्रिक्शन ना हो उसको रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं साइनोवियल फ्लूड प्लस यहाँ पर जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट है क्योंकि कार्टिलेजेस की खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती तो यहाँ पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट है वो भी साइनोवियल फ्लूड से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं क्योंकि अपनी उनकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है सो so, अभी हमने जॉइंट कैप्सूल भी पढ़ लिया उसके बाद हमारे आते हैं बर्स से So, सो क्या होता है या बरसे क्या होते हैं प्लूरल एंड इज सिंगुलर सो क्या है फर्दर सैक्स प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सैक प्रेजेंट है साइनोवियल फ्लूड के यहाँ पर शोल्डर जॉइंट इज वेल पैडेड विद बर्से सो so, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैड्स या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं वो प्रेजेंट है इस जॉइंट में शोल्डर जॉइंट में सेक्स फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूड और ये जो सेक्स हैं ये साइनोवियल फ्लूड से ही फिल होते हैं एंड रिड्यूस फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं सो so ये भी कुशन का काम भी करते हैं प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं प्लस फ्रिक्शन को भी प्रिवेंट करते हैं शोल्डर ज्वाइंट में सो so ये जो बरसें हैं वो इम्पॉर्टेंटली कौन सी है सब एकोमियल बरसिय बरसा एंड देन सब स्टेपुलर बरसा सब कोराकोड बरसा सो यहाँ पर यह है बरसा सब एक बरसा सो ये यहाँ पर आपको बरसें दिखाई देंगे सो so, ये है हमारी एक्रोमियन प्रोसेस दिस वन इज एक्रोमियन प्रोसेस सो एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे ये जो दो बरसे हैं सो so, क्योंकि ये सब सब मतलब नीचे बीनीथ सो so, ये क्या है सब एक्रोमियल बरसे हैं यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कोराकोइड प्रोसेस कोरा कोइड प्रोसेस के नीचे भी एक बरसा है दिस इज सब कोराकोइड बरसा और ये है हमारी सब डेल्टोइड बरसा सो so, अब क्योंकि मैंने बता दिया कि शोल्डर जॉइंट क्या है मैक्सिमम मूवमेंट को अलाउ करता है सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है ये हमारी बॉडी में तो कौन कौन सी मूवमेंट ये अलाउ कर सकता है फर्स्ट इज एक्सटेंशन सो ये एक्सटेंशन में हेल्प करता है सो so, ये एक्सटेंशन आप देख रहे हैं ये आर्म को ये बैकवर्ड कर रहे हैं सो दैट इज एक्सटेंशन सो दैट इज एक्सटेंशन अगर हम आर्म को ऐसे करते हैं सो दैट इज एक्सटेंशन या फिर अगर और पीछे करते हैं दैट इज हाइपर एक्सटेंशन तो ये अगर हम फ्रंट में लेकर आते हैं दोबारा से तो दैट इज़ फ्लेक्शन सो अपर लिंब बैकवर्ड्स दैट इज एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इज अपर लिंब फॉरवर्ड इन सजाइटल प्लेन नेक्स्ट आता है एबडक्शन एबडक्शन क्या है अगर हम हमारी जो मिड लाइन है बॉडी की अगर हम उससे अवे जाते हैं सो दैट इज एबडक्शन और एडक्शन क्या है अगर हम टूवर्ड्स द मिड लाइन लेकर आते हैं तो शोल्डर ज्वाइंट एबडक्शन प्लस एडक्शन दोनों ही लो करता है यहां पर देखिए ये हो रहा है एबडक्शन और देन ये वापस इधर मिड लाइन की तरफ आ रहा है सो दिस इज एडक्शन नेक्स्ट इज इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन तो रोटेशन टूवर्ड्स द मिड लाइन इज इंटरनल रोटेशन रोटेशन अवे फ्राम द मिड लाइन इज एक्सटर्नल रोटेशन सो इंटरनल रोटेशन या फिर मीडियल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन या फिर लेटरल रोटेशन तो वो भी यहाँ पर होती है तो so, ये अगर हम आम को इस तरह से करते हैं सपोज अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरह से तो ये अगर हम इधर करेंगे सो दैट इज़ मीडियल रोटेशन और अगर हम इस आम को इस साइड करते हैं मतलब एक्सटर्नली आउटसाइड करते हैं लेटरली भी बोल सकते हैं सो दैट इज लेटरल रोटेशन या फिर एक्सटर्नल रोटेशन सो ये भी हमारे शोल्डर जॉइंट की वजह से ही मूवमेंट हो पाती है लास्ट इज सरकमडक्शन सो सरकमडक्शन क्या है थ्री सिक्सटी डिग्री फ्री मूवमेंट है सो so ये सारे जो भी मूवमेंट्स हैं इनका मिक्सचर होता है सरकमडक्शन सो so ये देखो यहाँ पर ये हो रही है सरकमडक्शन राउंड सो सरकमडक्शन भी आ, सबसे ज़्यादा मोबिलिटी वाले जॉइंट्स में ही होती है सो शोल्डर जॉइंट में सरकमडक्शन इज पॉसिबल सो दिस इज द मेन जो स्पेशल एबिलिटी है शोल्डर जॉइंट में कि ये सर्कम भी कर सकता है प्लस साथ में ही ये सारी मूवमेंट्स को भी अलाउ करता है नेक्स्ट चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर जॉइंट। अभी हमने मूवमेंट पढ़ लिया है शोल्डर जॉइंट का नाउ मूवमेंट के बाद इसमें स्टेबिलिटी के लिए क्या है क्योंकि मूवमेंट अगर जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतने ज्यादा चांसेस हैं डिसोकेशन के राइट अब जैसे एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा नोटी है वो बहुत ज्यादा भाग करता है ही इज़ क्वाइट एक्टिव बट ज़्यादा एक्टिव होने से क्या होता है कि रिस्क भी है उसके गिरने का इंजरी होने का इसी तरह से शोल्डर ज्वाइंट में भी मूवमेंट तो बहुत है मोबाइल है मोस्ट मोबाइल है हमारी बॉडी में लेकिन स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है लीज स्टेबल भी है बट स्टिल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जैसे कि लिगामेंट्स सो फर्स्ट है लिगामेंट देन मसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है टेंडन भी प्रेजेंट है लिगामेंट क्या करते हैं बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं सो so, हमारा जो ह्यूमरस बोन है उसको शोल्डर ब्लेड से लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं सो so, फर्स्ट हमारा आता है ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट सो नेम से ही ये क्लियर हो जाएगा ग्लेनो का मतलब ग्लैनो uh, मतलब हमारा शोल्डर ब्लेड की ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरल मतलब हमारी ह्यूमरस बोन तो ये तीन तरह से होती है सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर लिगामेंट ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट सो ये आपको दिख रहा है ये है ब्लू कलर का दिस इज सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट ये येलो कलर का दिस इज मिडल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट एंड दिस इज इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट ये पर्पल कलर का नाउ ये क्या करता है कनेक्ट करता है ह्यूमरस टू द ग्लिनोइड कैविटी नेम से ही क्लियर है होल्ड जॉइंट इन प्लेस ह्यूमरस को स्कैपुला से ये कनेक्ट कर रहे हैं ग्लिनोयड कैविटी है जो स्केपोला की उससे कनेक्ट कर रहे हैं ये जॉइंट uh, को उसकी प्लेस पर होल्ड करके रखते हैं

तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पर हमारी होती है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी या फिर ट्यूबरकल तो ये जो कोरा आ, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट है ये कोराकोइड प्रोसेस को ह्यूमरस से कनेक्ट करता है दिस वन ग्रीन वाला लिगामेंट so ये क्या करता है इट सपोर्ट्स द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ज्वाइंट कैप्सूल को joint capsule को स्टेबलाइज कर रहा है Next is transverse humeral ligament. Transverse का क्या मतलब है ट्रांसवर्स का मतलब है है कि ये क्या कर रहा है? अब यहां पर क्या है सिर्फ ह्यूमरस का ही नाम है तो ये ह्यूमरस के अंदर ही प्रेजेंट है ये वाला जो लिगामेंट uh, है ये जस्ट ह्यूमरस में ही प्रेजेंट है ये क्या करता है कनेक्ट द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये जो लेसर ट्यूबरकल है इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट तो ये इसका फंक्शन क्या है टू होल्ड द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप टेंडन विद इन द इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव सो ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये है इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव और यहाँ से बाइसेप जो मसल है उसका टेंडन पास होता है उसका लॉन्ग हेड जो टेंडन है वो यहां से पास होता है एंड हो जाता है सो so, वो यहां से पास होता है उसकी अटैचमेंट को ये सपोर्ट करता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट नेक्स्ट चलते हैं मसल्स पे अब हमने लिगामेंट पढ़ लिए अब मसल्स दैट स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट कौन से मसल है तो सबसे मेन मसल हमने पहले पढ़ने हैं वो है रोटेटर कफ मसल सो रोटेटर कफ मसल्स क्या होते हैं ये क्या करते हैं सराउंड द शोल्डर जॉइंट सो शोल्डर जॉइंट में सबसे मेन जो प्राइमरी मसल्स होते हैं दीज आर रोटेटर कफ ये शोल्डर जॉइंट को सराउंड करते हैं अटैचिंग टू द ट्यूबरसिटीज ऑफ द ह्यूमरस ये क्या करते हैं कि जो ह्यूमरस की जो ट्यूब्रॉसिटीज होती हैं ग्रेटर ट्यूबरसिटी लेसर ट्यूब्रोसिटी जो कि हमने पढ़ा था उसके साथ कनेक्ट होते हैं एंड देन ये जॉइंट कैप्सूल के साथ फ्यूज हो जाते हैं मीन्स ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये अगर ह्यूमरस का हेड है तो ये ह्यूमरस के ह्यूमरस uh, पर जो ट्यूबरोसिटीज प्रेजेंट है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी लेसर ट्यूबरोसिटी उससे कनेक्ट होकर देन ये फिर जो जॉइंट कैप्सूल है उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं जिससे uh, जो शोल्डर जॉइंट है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है वो उसी प्लेस पर रहते हैं इट स्टेबलाइजेज द शोल्डर जॉइंट एंड होल्ड्स द हेड ऑफ़ द ह्यूमरस इन टू दूसरी शोल्डर so, ज्वाइंट को स्टेबिलाईज करते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लस ये जो हैड ऑफ द ह्यूमरस है तो ह्यूमरस का जो हैड है वो ग्लिनोइड कैटी में ही रहे सो ग्लिनोइड कैिटी में ही रहे इसलिए ये क्या करते हैं उसको मेंटेन करते हैं मेंटेन मतलब एक कंप्रेशन फोर्स डालते हैं कि ये जो ग्लिनोइड कैविट ये जो हेड है ह्यूमरस का ये ग्लिनोइड कैविटी में ही फिट रहे एक कंप्रेशन फ़ोर्स या फिर आप बोल सकते हैं एनकेज किया हुआ है इन्होंने रोटेटर कफ मसल ने सो so, नेक्स्ट चलते हैं बिकॉज दीज मसल्स आर यूज इन अ वाइड रेंज ऑफ मोशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग हैवी लोड शोल्डर मसल पेन इज अ कॉमन एलिमेंट अब क्योंकि जो रोटेटर कॉफ मसल है अब इसी शोल्डर जॉइंट से हम हैवी मूवमेंट भी उठाते हैंवी लोड उठाते हैं प्लस ये बहुत ज़्यादा मूव करता है ये वाला जॉइंट इसलिए रोटेटर कफ मसल की जो इंजरी है वो बहुत ही कॉमन है तो यहाँ से जो पेन है वो कॉमन है रोटेटर कफ मसल का नाउ दीज आर ग्रुप ऑफ फोर मसल ये जो रोटेटर का मसल होते हैं ये फोर मसल होते हैं उनका ग्रुप है फर्स्ट इज सुप्रास्पाइनेटस सेकेंड इज इंफ्रास्पाइनेटस थर्ड इज टेरिस माइनर एंड फोर्थ इज सब स्कैपुलैरिस सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टेरिस माइनर एंड सब स्कैपुलैरिस तो यहाँ पर ये डायग्राम में रोटेटर कफ दिए हुए फर्स हैं फर्स्ट पढ़ते हैं सुप्रास्पाइनेटस के बारे में सो तो ये है हमारा सुप्रास्पाइनेटस सो तो ये एंटीरियर व्यू है फ्रंट से और ये पोस्टीलली ज्यादा नजर आ रहा है अच्छे से सो तो सुप्रास्पाइनेटस क्या है ये नैरो ट्राइंगुलर मसल है तो आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल शेप की है लेकिन नैरो है ऑरिजिनेट फ्रामसा ऑफ द स्केपला सो यह स्कैपोला का जो सुपरा स्पाइनेटस फोसुला है फोसा uh, है मीन्स जो ऊपर सुपरा मीन्स अबव सो so, जो अब स्कैपुला का फोसा है सुपरा स्पाइनेटर फोसा वहां से यह ऑरिजिनेट होता है एंड इन सर्ट एट ग्रेटर ट्यूबर्कल ऑफ ह्यूमरस और ये जो ह्यूमरस है इसका यहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरकल है यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाता है सो so ये आ, सुप्रास्पाइनेटस फोसा से ओरिजिनेट होता है यहाँ से और यहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरकल है जो ह्यूमरस का वहाँ पर ये इंसर्ट हो जाता है इसका फंक्शन क्या है इनिशिएशन ऑफ एबडक्शन ऑफ आर्म एट फिफ्टीन डिग्री एट ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट सो जब हमारी आर्म एबडक्शन करती है तो फिफ्टीन डिग्री तक ये वाला मसल हेल्प करता है उसके बाद अदर मसल जैसे कि डेल्टॉय मसल वो हेल्प करता है नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्रास्पाइनेटस मसल इंफ्रास्पाइनेटस आप देख सकते हैं ये है इंफ्रास्पाइनेटस सो so ये तो बहुत बड़ा ट्रायंगल है सो so ये क्या है वाइड ट्रायंगुलर मसल है बिलो द सुप्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इन्फ्रास्पाइनेटस ऑफ स्कैपुला सो ये सुप्रास्पाइनेटस so फोसुला से ऑरिजिनेट uh, हुआ था और ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा स्कैपुला के मां से ओरिजिनेट होगा इसका और जाएगा ये वहीं तक ग्रेटर ट्यूबरकल तक इसकी अटैचमेंट भी ग्रेटर ट्यूबरकल तक ही है यहां पर फंक्शन है इसका एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ आर्म एट ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट ये एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प करता है नेक्स्ट इज टेरस माइनर टेरिस माइनर क्या है नैरो मसल है आप टेरिस माइनर देख सकते हैं ये यहां पर ये इतनी सी है ये बहुत ही नैरो मसल है और ओरिजिनेट होती है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला सो ये जो लेटरल बॉर्डर है साइड बॉर्डर स्कैपुला का वाहर से ओरिजिनेट होती है प्लस ये भी ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वहीं पर ये इंसर्ट होती है वहीं पर इसका एंड होता है फंक्शन इसका क्या है एक्सटर्नल रोटेशन में भी हेल्प है प्लस एडक्शन जो एडक्शन है आम की मीन्स टूवर्ड्स द मिड लाइन वो इसका फंक्शन है टूवर्ड्स अ बॉडी एट ग्लैनो जॉइंट नेक्स्ट है सब्सकेपुलारिस सब स्कैपलरिस ये वाली मसल है हमारी ये सबसे लार्जेस्ट है सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है सबसे ऑफ द रोटेटर कफ मसल सो एंटीरली दिखाई दे रही है अच्छे से लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द रोटेटर कफ मसल इट इज अ ट्रेंगुलर मसल बिगनिंग एट द शोल्डर ब्लेड शोल्डर ब्लेड से ये बिगनिंग होती है इसकी शोल्डर ब्लेड से एंड ये इंसर्ट कहां पर हो रही है ये हो रही है लेसर ट्यूबरकल पर सो so ये हमारी लेसर ट्यूबरोसिटी है ह्यूमरस की वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है फंक्शन इसका क्या है इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म सो इंटरनल रोटेशन में ये हेल्प करती है सो दिस इज अ मेन प्राइमरी मसल विच इज द रोटेटर कफ मसल नेक्स्ट हम चलते हैं अदर मसल्स पर जो कि सेकेंडरी मसल्स हैं बट आल्सो हेल्प्स इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ शोल्डर ज्वाइंट ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट फर्स्ट आता है हमारा डेल्टोइड सो डेल्टोइड क्या है डेल्टोइड फॉर्म्स राउंड एंड फ्लैश कॉन्टोर ऑफ द शोल्डर सो ये जो आपको राउंड राउंड दिखता है शोल्डर के ऊपर ये डेल्टोइड मसल की वजह से है सो so ये आप देख सकते हैं ये पोस्टीरियर व्यू है एक्चुअली सो so ये है हमारा डेल्टोइड मसल सो ऑरिजिनेट फ्रॉम क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड रेडिएट ओवर द शोल्डर जॉइंट टू बी इंसर्टेड इन टू द डेल्टोड टूब्रोसिटी ऑफ द ह्यूमरस अब ये क्या है क्लैविकल से भी ऑरिजिनेट होता है ये एक्रोमियन प्रोसेस से भी ओरिजिनेट होता है एंड स्पाइन ऑफ स्कैपला से भी ओरिजिनेट होता है एंड पूरे शोल्डर के ऊपर इस तरह से रेडिएट करता है एंड देन जो डेल्टॉय ट्यूबरोसिटी है ह्यूमरस की वहाँ जाकर ये इंसर्ट हो जाता है So, इसका फंक्शन क्या है इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो फंक्शन करता है फ्लेक्शन में और जो मिडल और मेन पार्ट है इसका वो में हेल्प करता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो लेटरल रोटेशन जो शोल्डर की है उसमें हेल्प करता है लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट फिर उसके बाद हमारे मसल्स आते हैं टेरिस मेजर ट्रेपीजियस लेटिसमस डोरसाई लिवेटर स्कैपुला जो कि एलिवेशन ऑफ स्केपुला में भी हेल्प करता है रोमबॉयड मेजर रोम्बोइड माइनर सो ये बाकी सभी मसल्स हैं और ये इनकी लोकेशन यहाँ पर दी हुई है जैसे कि लिवेटर स्केपुला स्केपुले रोम्बॉड माइनर रोम्बॉय मेजर ट्राइसेप ब्रेकाई ट्राइसेप ब्रेकाई यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व नहीं होता शोल्डर जॉइंट में उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रेपीजियस टेरिस माइनर आ, टेरिस मेजर सो टेरिस माइनर हमने देख लिया वो तो मेन मसल है नेक्स्ट हमारा आता है बाइसेप टेंडन्स सो so यहाँ पर बाई जो बाइसेप मसल है उसका टेंडन भी एक इन्वॉल्व होता है टेंडन क्या करता है मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है तो टेंडन ऑफ बाइसेप मसल आल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू जॉइंट ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सो so ये हमारा बाइसेप मसल है दिस वन ये दोनों ही बाइसेप मसल है और ये हमारा ये है लॉन्ग हेड सो दिस वन इज़ अ लॉन्ग हेड ऑफ़ द बाइसेप मसल और ये जो हमने पीछे पढ़ा था ये ह्यूमरस है तो ह्यूमरस का ये है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी uh, और ये है लेसर ट्यूबरोसिटी और इसके बीच में जो लिगामेंट है ये वाला सो ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है इसके बीच में से लॉन्ग हेड टेंडन जो लॉन्ग हेड है बाइसेप का वो पास होता है सो ये लॉन्ग हेड क्या है ये एक टेंडन है टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ़ द बाइसेप मसल हेल्ड इन इंटर ट्यूबरकुलर ग्रोव ऑफ द ह्यूमरस सो ये ट्रांसवर्स इंटर ट्यूबरकुलर हमने लिगामेंट पढ़ा था उसके बीच में से ये पास होता है राइट ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट के बीच में से ये पास होता है एंड इज हेल्ड इन द इंटर ट्यूबरकुलर ग्रोव सो ये ह्यूमरस के बीच में जो इंटर ट्यूबरकुलर ग्रोव होता है वहाँ पर यह प्रेजेंट होता है सो so, ये इस तरह से ह्यूमरस से एक्सटेंड होकर देन यहाँ पर ये अटैच हो जाता है सो so, ये फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे शोल्डर जॉइंट को सो दिस इज ऑल अबाउट द शोल्डर जॉइंट एंड इफ यू अंडरस्टर्ड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग